सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए हुए लगभग अब 10 महीने होने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो हम लोग नहीं जानते हैं उनके जीवन के बारे में, बहुत सारी ऐसी बिना देखी हुई ऐसी कहानियां हैं जो हम नहीं जानते हैं। एक सच्चे नेक दिल और साफ सुथरी छवि वाले बिल्कुल सिंपल सा इंसान सुशांत सिंह राजपूत थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बॉलीवुड के जो माया जाल है उसमें फंसा करके उसमें उनकी हत्या कर दी गई, और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के 10 महीने बीत जाने के बावजूद भी इंसाफ की कोई बात नहीं आ रही अभी तक। सुशांत के फैंस लगातार इस बात पे फाइट कर रहे हैं। आज मैं आपको उनके एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, कि क्योंकि सुशांत को हम भूल नहीं सकते हैं, न भूल पा रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई मन के अंदर ऐसी बैठी हुई है, अंदर तक बैठी हुई है, कि हम जब तक जिंदा रहेंगे सुशांत को याद करते रहेंगे, क्योंकि सुशांत अब हमारे दिल में हैं। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि अभी वो हमारे बीच में ही हैं। मैं आपको सुशांत की पढ़ाई के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि सुशांत बहुत ही तेज़ थे पढ़ने में, शुरू से ही। 12वीं तक की उनकी पढ़ाई पटना में हुई है, और 2003 में उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूरे इंडिया में 7th रैंक उन्होंने हासिल किया। बहुत लोग कन्फ्यूज हैं कि वो आईटी में थे, आईआईटी में नहीं थे, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो DTU के नाम से जाना जाता है दिल्ली में, उसमें वो पूरे भारत में उनका जो रैंक था वो काफ़ी ही बड़ा एक होनहार लोग होते हैं उन्हीं को आता है 7वीं रैंक पूरे भारत में। और उसमें उन्होंने फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, 3रे साल में ही वो पढ़ाई छोड़ करके एक्टिंग के लिए चले गए मुंबई। सुशांत ने धनबाद समेत लगभग 11 इंजीनियरिंग परीक्षाएं पास की, और साथ ही वो फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर भी थे। काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी होनहार और एक साफ सुलझा हुआ तेज तर्रार इंसान, जो हर फील्ड में जहाँ भी गया टॉप किया, चाहे वो फिल्मी दुनिया हो चाहे वो एजुकेशन हो। आज वो हमारे बीच नहीं है, हमें उनकी कमी हमेशा खलती है और हम हमेशा उन्हें याद करते हैं, और इसी याद में फाइट चल रही है हमारी आप सबकी, कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई चलती रही। इसी संकल्प कीजिए आप, और ये संकल्प के साथ हम लड़ते रहेंगे। जय हिंद।